दिल्ली पुलिस को मिला था सीक्रेट इंटेल, घेराबंदी कर शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन, लंबी कवायद के बाद युवती हुई अरेस्ट। एक सीक्रेट इंटेल के आधार पर दिल्ली पुलिस की AATS ने दक्षिण दिल्ली के दक्षिणपुरी एक्सटेंशन एरिया में छिपी एक युवती को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस को मिले एक सीक्रेट इंटेलिजेंस इनपुट के चलते अम्बेडकर नगर इलाके में कुछ घंटों के लिए हलचल बढ़ गई। सीक्रेट इंटेल मिलते ही इंस्पेक्टर उमेश यादव के नेतृत्व में दक्षिण जिला की AATS ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। एक लंबी कवायद के बाद पुलिस उस युवती तक पहुंचने में कामयाब हो गई, जिसकी तलाश में ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। तलाशी के दौरान इस युवती के पास AATS को कुछ ऐसा मिला, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया। DCP अंकित चौहान के अनुसार कुछ संदिग्ध गतिविधियों से जुड़ा सीक्रेट इंटेल दक्षिण जिला की AATS को मिला था। इस इंफॉर्मेशन को डेवलप करने के लिए ACP CR पाक नीरज टोकस और ACP ऑपरेशन सुभाष मलिक के देखरेख में एक टीम का गठित की गई, जिसका नेतृत्व AATS इंस्पेक्टर उमेश यादव को सौंपा गया। इंफॉर्मेशन को डेवलप करने के लिए स्थानीय मुखबिरो सहित सभी तंत्रों को सक्रिय कर दिया। एक लंबी कवायद के बाद AATS को पता चला कि इन मामले के तार दक्षिणपुरी एक्सटेंशन एरिया से जुड़े हुए हैं। जानकारी मिलते ही AATS की टीम को इलाके की तरफ रवाना कर दिया गया। वहीं कुछ ही मिनटों बाद दक्षिणपुरी एक्सटेंशन इलाके की पुलिस ने घेराबंदी शुरू कर दी। घेराबंदी कर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और एक लंबी कवायद के बाद इलाके के एक फ्लैट तक पहुंच गई। इस फ्लैट में पुलिस को वही युवती मिली, जिसकी तलाश में ये पूरा ऑपरेशन शुरू किया गया था। तलाशी के दौरान इस युवती के फ्लैट से करीब 5.225 किलो गांजा भी बरामद किया है। पुलिस ने इस युवती को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है।